ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ वो इतना सटीक और प्रभावी है कि बस एक बार जप देने से किसी को भी आपके वशीभूत कर देगा। ये मंत्र कुछ ऐसे ग्रंथों से मैंने लिया है जो कि आज के ज़माने में विरले ही किसी के पास होंगे। अगर होंगे भी तो उनको इतनी गहराई से पढ़ना बहुत मुश्किल है। और इस मंत्र को एक बार भी किसी पे कर दिया तो बस वो आप ही की माला जपेगा। ये मंत्र लगभग मैंने 10 साल पहले किसी को प्रयोग करने के लिए दिया था और जो इसके प्रभाव थे वो इतने अचंभित करने वाले थे कि इस मंत्र को मैंने अपनी डायरी में कहीं छुपा के रख दिया ताकि ये किन्हीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। और आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जो कि आपके लिए आपकी जो भी कामनाएं होंगी उनको पूरा करने में सार्थक साबित होगा। वैसे तो ये सम्मोहन का मंत्र है लेकिन इसको आप किसी को भी वशीभूत करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यदि कोई रूपवती कोई स्त्री आपको भा जाए और उसने आपकी रातों की नींद खराब कर दी हो तो इस मंत्र का प्रयोग आप आंख मूंद कर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। एक बार किसी को देखा और वो आपके दिल में भा गया। उसे जानने की उसे समझने की आप कोशिश करते लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मंत्र खास इसी स्थिति के लिए बनाए ताकि आप किसी दूसरे को जान पाए। इस मंत्र को तभी करना जब सामने वाला है जो आपकी बात ना मान रहा हो, आपसे मिल ना रहा हो या फिर बिल्कुल नया नया रिलेशन हो और उसमें थोड़ा सा मिठास लानी हो या फिर किसी को अपने नज़दीक लाना हो तब ये सम्मोहन क्रिया की जाती है। ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती लेकिन जो होता ना एक एसेंस होती है प्यार की, पहले प्यार की, वो वाली एसेंस अगर किसी में डालनी हो, किसी को अपनी ओर रिझाना हो, किसी को अपनी अनुकूल करना हो तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं। क्रिया बहुत ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी के लिए प्रेम भाव रखते हैं तभी इसको कीजिएगा। अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो ये आपके लिए नकारात्मक ऊर्जाओं को भी आकर्षित कर देगा। तो इसका कभी भी भूल कर भी दुरुपयोग ना करें। तो चलिए आज इसकी विधि को जान लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। जब भी कोई मंत्र आप गुरुमुख से लेते हैं तो उसके 60% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता निश्चित होगी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। गुरु आपको वो सब बता सकता है जो कि गुरु ने पहले एक्सपीरियंस किया है। गुरु वो सब जानता है जो कि आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो जब भी कोई क्रिया करें तो सबसे पहले अपने ग्राम देवता को नतमस्तक होकर प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें, अपने इष्ट देव से आज्ञा लें, अपने गुरुवर से आज्ञा लें। सबकी आज्ञा लेने के बाद कोई भी अनुष्ठान कीजिए तो उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि गुरुजी मंत्र काम नहीं कर रहे, और जब मैं देखता हूँ कि ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे तो एक विशेष प्रकार का वर्ग है लोगों का जिस वर्ग के लिए काम नहीं करता है। और मैं ये बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि ये जो मंत्र है ये हर एक के लिए काम नहीं करेगा। इसको ट्राई कीजिए और हो सकता है ये आपके लिए काम करे, क्योंकि हर कोई हर एक मंत्र को नहीं चला सकता लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए ही बने होते हैं। अगर ये आपके लिए बना है तो समझिए कि एक खजाना आपको मिल गया, क्योंकि जिस तरह से लोगों का ब्लड ग्रुप होता है उसी तरह से मंत्र भी होते हैं।
आपके अनुसार जो मंत्र होगा सिर्फ वही आपके लिए काम करेगा। यदि कहीं से भी कोई भी मंत्र उठा लोगे और उसको जपना शुरू कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा। पूरी सावधानी रख के, सात्विक रह के, एकांत में जीवन, इसका जो अब जब साधना करें तो आपको एकांत में रहना है, लोगों से दूर रहें और अपनी साधना में ध्यान दें, तब ये मंत्र काम करेगा। तो मंत्र सुन लीजिए, क्लीम काम देवाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। कामदेव का मंत्र है और इतना प्रभावी है कि बस पूछे मत। क्लीम काम देवाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। पूर्वमुखी होकर नीचे कोई लाल रंग का आसन बिछाकर इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए, दिन में 3 बार और एक ही स्थान पर कीजिएगा। किसी गुफा, किसी जंगल, किसी नदी तट के किनारे या फिर नदी में खड़े होकर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसको 41 दिनों तक जपना होता है। जैसे जैसे आप 41 दिन की तरफ पढ़ेंगे आपके अंदर एक ऊष्मा आनी शुरू हो जाएगी, एक ऐसा दिव्य तेज होगा, एक ऐसा लावण्य होगा जो कि किसी को भी, राह चलते किसी भी राहगीर को आपके वश में कर दे। जो आपको देखेगा वो टकटकी लगाए आपको देखते रहेगा कि कुछ बात है अलौकिक सी, जो समझ में नहीं आएगी किसी को कि ये क्या चीज़ है। कुछ ऐसा एक अलौकिक तेज आपके पास होगा जो कि क्षण भर में किसी को भी आपके सामने नतमस्तक कर देगा। यदि आपने इस मंत्र को सही से सिद्ध कर लिया तो कामदेव का जो सौंदर्य है उसका छोटा सा अंश आपके अंदर आ जाएगा, जिससे कि आप किसी को भी मोहित कर पाएंगे। एक ऐसी कांति, एक ऐसा लावण्य आपके साथ चलेगा जो कि अलौकिक होगा। इस धरा पर कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास इस तरह का लावण्य होगा, इस तरह का तेज होगा। 41 दिनों तक इस मंत्र का जाप कीजिएगा और फिर देखिए आप जिसको आकर्षित करना चाहते हैं वो अपने आप आपके पास आएगा। बस मन में एक इच्छा जाहिर कीजिएगा कि मुझे वो फला व्यक्ति चाहिए इस डेट तक, उससे पहले पहले ही वो जो भी होगा वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। और ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो कि मैंने छुपा के रखा था और आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसको प्रयोग में लाइए और मुझे बताइए कि आपने इसको कितनी जल्दी साध लिया है। और जब भी आप कोई साधना करें तो तीसरे आदमी को पता नहीं लगना चाहिए। जब भी साधना करें तो उस बात को अपने तक रखें, क्योंकि जब तक एक साइंटिस्ट कोई रिसर्च करके उसे पूरी नहीं कर लेता तब तक लोग उसे पागल ही समझते हैं। तो जब तक आप इसको सिद्ध ना कर लें किसी को भी इसके बारे में ना बताएं, क्योंकि शेर तब दहाड़ता है जब वो अपना शिकार पकड़ लेता है। उससे पहले अगर आप इसका व्याख्यान करते फिरेंगे लोगों के सामने तो भीतर से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उस तरह से काम नहीं करेंगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का व्याख्यान करते हैं लोगों के सामने तो हमारा जो मस्तिष्क है वो उस चीज़ को मान लेता है कि आपने उसे पहले ही पूरा कर लिया है। और फिर जो इस प्रकृति में चेंजेस हैं, जो इस प्रकृति में बदलाव होने होते वो नहीं हो पाते। तो बिल्कुल शांत स्वभाव रखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, सूती के कपड़े पहनिए और इस क्रिया को करते रहिए। 41 दिन तक इस क्रिया को कीजिए और फिर जो लावण्य, जो कांति, जो आभा आपके पास होगी वो दिव्य तेज इस धरा पर किसी के पास नहीं होगा। जो आपको एक बार देख ले वो बस टकटकी लगाए आपको निहारता रहेगा। यदि कोई मंत्र में त्रुटि लग रही हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर, और आप वेबसाइट पे जाके इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जय भोले की।